नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2019 के तहत मतदान छठे चरण में यानी 12 मई को डाले जाएंगे। तो वहीं आज दिल्ली में नामांकन का आखिरी दिन है और आज क्रिकेटर से राजनेता बने गौतम गंभीर अपनी राजनीति की औपचारिक शुरुआत कर रहे हैं। बता दें कि गंभीर को भाजपा ने पूर्वी दिल्ली से टिकट दिया है, वह आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बता दें कि इससे पहले मंगलवार यानी आज सुबह गौतम गंभीर ने अपने घर में परिवार व करीबियों के साथ पूजन हवन किया, इसके बाद वह रोड शो पर निकले हैं। आपको बताते चले कि रोड शो के दौरान उन्होंने कहा कि वह देश और समाज की सेवा करना चाहते हैं। इसके साथ ही गंभीर ने कहा कि पिछले 5 सालों में जिस तरह से मोदी ने देश का विकास किया है और देश को आगे ले गए, हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए देश को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और मोदी जी का सपना भी पूरा करेंगे। बता दें कि पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर ने कहा कि मैं सच में देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में हमारे पीएम ने देश के लिए जो किया, उस काम को आगे ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए डाउनलोड करें सिटी पोस्ट लाइव मोबाइल ऐप।